दृष्टिबाधित जूडो टीम ने कजाकिस्तान में लहराया पदकों का परचम। भारतीय दृष्टिबाधित जूडो टीम 25 अप्रैल को जूडो एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अस्ताना कजाकिस्तान गई थी, जहां पर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते और व्यक्तिगत प्रतियोगिता में 2 रजत 4 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। बताते चले प्रदेश की गुलशन ने महिला श्रेणी में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में कपिल परमार 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, जबकि हरियाणा के सुनील कुमार ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक, मुकेश रानी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, जानकी बाई ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, हरियाणा की कोकला ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, महाराष्ट्र की रेणुका नारायण सालवे ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बताते चले यह प्रतियोगिता फ्रांस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के 10 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स ने भाग लिया, जिसमें 5 महिला, 5 पुरुष, 2 कोच और 3 स्काउट थे, जिसमें उत्तर प्रदेश से आयशा मुनव्वर अकरम शाह कोच के रूप में भाग लिए। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार और उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।